भी कहती है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने शाह बानो, जिनको उनके हस्बैंड ने एट द एज ऑफ 62 इयर्स पे ओरल डिवोर्स दिया था, ट्रिपल तलाक दिया था, वो लेडी जो 5 बच्चों की मां थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था, क्रिमिनल केस, एंड शी गॉट victory by the Supreme Court saying that her husband has to pay her alimony. But aap jis party ko support karti hai, wo party is anti woman, is anti Indian Muslim woman, kyunki na wo triple talaq bill pass hone dete hai, na wo halala ke upar koi movement karte hai, na wo obviously population control bill aise topic ke upar discussion bhi karna chahte hai. Kyun? Kyunki unko sirf musalmanon ki population badhani hai aur musalman आदमियों के लिए काम करना है. दे आर रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट द मुस्लिम लेडीज. तो उस टाइम पे राजीव गांधी ने कोई मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 86 पास किया, जिसकी वजह से वो जो सुप्रीम कोर्ट की एलिमनी थी, जो लाइफ लॉन्ग एलिमनी थी, दैट गॉट रिड्यूस्ड टू 90 डेज. तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करती है, वो पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी वो पार्टी को छोड़ के शिवसेना ज्वाइन करती है, बिकॉज वो पार्टी फिर से रीइंस्टेट करती है उन गुंडों को जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे. आप वही लेडी है ना जो शिवसेना के गुंडों को तालिबान से कंपेयर करती है. तो आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि हैव यू लॉस्ट ऑल कॉमन सेंस, हैव यू बिकम सो डिफायंट, और आर यू एक्चुअली सो डम दैट यू गो ऑन नेशनल टेलीविजन एंड टॉक सच गार्बेज दैट बीजेपी इज पॉलिटिसाइजिंग द सर्जिकल स्ट्राइक्स. दे वर आस्क्ड टू गिव प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक एंड दे डिड गिव प्रूफ, बिकॉज आपकी सरकार, जो आप सरकार को सपोर्ट करती है, वो सरकार तो बुजदिल थी, नामर्द थी, एंड उसने कभी लाइफ में कुछ नहीं किया, और अभी वो कहते हैं कि उन्होंने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए. तो अब आप उनसे प्रूफ क्यों नहीं मांगते कि मुझे आप प्रूफ दीजिए कांग्रेस सरकार कि आपने वो 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स किए. आई नीड प्रूफ टू अंडरस्टैंड एंड टू बिलीव.